अपना लक्ष्य ढूंढिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन उस व्यक्ति की तरह होता है जो गाड़ी में बैठ तो जाता है पर उसे उतरना कहाँ है यह पता नहीं होता। इसलिए आप अपना लक्ष्य ढूंढिए और उसे पूरा करने के लिए योजना बनाइए। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए एक योजना का होना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार जिंदगी को बनाने के लिए भी एक योजना, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। अपने अंदर के गुण को पहचानो। सब में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जो लोग इस इंतजार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उद्देश्य में उपयोग करेंगे, मैं बता दूं, हम यहाँ किसी अनूठे उद्देश्य के लिए ही हैं। एक ऐसा महान उद्देश्य जो हमें अपनी मानवता के सर्वोच्च गुण को उजागर करने में मदद दे सके और साथ ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके। आप अपने गुण के आधार पर अपना लक्ष्य ढूंढिए। और हाँ, लक्ष्य ढूंढने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने वर्तमान कार्य को छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने यह है कि आपको अपने काम में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जिस परिवर्तन की आस है उसे वास्तविक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की प्रतीक्षा ना करें। और जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। और आप कभी भी अपने लक्ष्य का पीछा ना छोड़ें और ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लें, कोई भी चीज आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है।